लगता आपको साधने में हमें चेतक से अधिक श्रम करना पड़ेगा। वैसे है कहाँ चेतक? इतना समय हो गया, उसे कहीं देखा नहीं आपके आसपास। जब से बिजोलिया से लौटे हैं, थोड़ा रूठा रहता है हमसे वो, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि अभियान पर जाने से पहले वो ठीक हो जाएगा। हमें लगता है कि उसे भी हमारी तरह व्यस्त रहना भाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजोलिया से लौटने के पश्चात चेतक किसी की कमी अनुभव कर रहा हो, याद कर रहा हो किसी को? हमने कहा चलिए चेतक, चेतक हम अपने वचनों से बंधे हुए हैं, हमारी कठिनाइयां मत पड़ी और हम विनती करते हैं आपसे, चलिए चलिए चेतक चलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किंतु अजीराज, चलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं आपके साथ ससाराम चलने के लिए। आप हमारे साथ नहीं जा रहे? क्यों? हम जान सकते हैं हमसे क्या भूल हुई है जो आपके इस अभियान में आप हमें साथ लेकर नहीं जा रहे? हाँ हाँ, ऐसे बिना अपने मित्रों को साथ लिए कोई अभियान पर जा सकता है भला? हाँ हाँ, कम से कम कारण तो पता चले बाबूजीराज। आप हमारे साथ सासाराम नहीं, बिजोलिया जा रहे हैं। बिजोलिया? जी, हम चाहते हैं आप सौभाग्यवती के साथ गौना कर पुनः उन्हें यहाँ लेकर वापस आए। बाबूजीराज, ये सब तो हम बाद में भी कर सकते हैं, मतलब ये अभियान पूर्ण होने के बाद। चक्रपाणि मिश्र, हमारे साथ रहते आपको अभियान की कमी नहीं पड़ने वाली, किंतु हम चाहते हैं कि ये बिजोलिया वाला जो गौना अभियान है, जो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आप जाएं और इसे शीघ्र पूर्ण करें। आप कह रहे तो ठीक, आप कह रहे इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको हमारा सुझाव पसंद नहीं आया हो तो पता, इसे हम अगले साल तक टाल देते हैं, क्यों? हाँ हाँ, अब इतने वर्षों तक प्रतीक्षा कर ही ली है तो एक आध और सही। अरे नहीं नहीं, वेद पुराण में कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी। बहुरी करोगे कब? हाँ हाँ, टालना क्यों, हम अभी चले जाते और संदेश वाले कहते हैं कि संदेशा भिजवाया जा चुका है। बिजोलिया, अब जाकर गौने की तैयारी करें। कुछ वर्षों के लिए बिजोलिया लौट रहे हैं, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे। अजब दी, इन स्वर्णभूषणों को पहनना बंद करें और कुछ श्रृंगार करें, कुछ सजे संवरें। क्यों? क्योंकि हमारे चक्रपाणि मिश्र जी के यहाँ से हमारे गौने का संदेश आया है और हमें पूरा विश्वास है कि कुंवर प्रताप अपने मित्र के साथ अवश्य आएंगे और साथ में आपके गाने का संदेशा भी लेकर आएंगे। तुरंत जाके राणा जी के विशेष पान के लिए जो मसाला तैयार किया है उसे ले आओ। न जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि बिजोलिया जाने से पहले राणा जी ने वो पान नहीं खाया था। ऐसा लगता है कि जी पे उस अमल का कोई असर ही नहीं था। यदि राणा जी पे अमल का असर मिट गया तो हमारे इतने वर्षों की श्रम पे पानी फिर जाएगा। खड़ी खड़ी मुंह मत देखो, जाओ जाकर वो पान ले आओ, जाओ। न जाने ऐसा क्या है बिजोलिया में जो वहां जाते ही आई सिर्फ कुंवर प्रताप परंतु राणा जी में कोई प्रभाव नहीं रहता हमारा। मिटा देना चाहिए बिजोलिया को मेवाड़ के मानचित्र से और हमारी स्मृतियों से। कुंवर प्रताप ने अजब दे की स्मृतियों को इतनी सहज से अपने कक्ष में रखा है और हमें
हमें लगा कि अजब ने कुंवर प्रताप के लिए मर चुकी है, पर नहीं, नहीं, नहीं। हम अजब देखो इस महल में वापस नहीं लौटने देंगे, नहीं लौटने देंगे। सौगंधे हमें हमारे सपनों की, हमारी सहजी महत्वाकांक्षाओं की, सौगंधे उन सब लोगों के जिन्हें चुन चुन कर हमने अपने मार्ग से हटाया है। आचार्य को इस महल में हम नहीं लौटने देंगे, किसी भी मूल्य पर नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं, नहीं, नहीं। चल रहा है दोनों के बीच में, कुछ अनुचित है। ये मां जीजा भी ना, वैसे तो हर पल हमारे साथ रहेंगी, हमारी हर बात पर अपनी कड़ी दृष्टि भी रखेंगी, हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पर जब उनकी आवश्यकता अनुभव हो रही है तो पता नहीं कहां चली गई हैं, देखी नहीं रही गई। जान कवर, ऐसी क्या बात है चांद, क्या आपको इतनी आवश्यकता अनुभव हो रही है मानकवर की? नहीं रानी मां, देख रहे हैं हम, कब से आप दोनों किसी समस्या में उलझे हुए हैं, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमने दिया हो आपको? चलिए चांद को छोड़िए, आजकल ये मान कवर के प्रभाव में अधिक समय बिताते हैं। आप बताइए विपा जी, क्या बात है? जब वो कुंवर प्रताप के कक्ष में हमें ये प्रपत्र मिला था। कैसा प्रपत्र? जीजा वो ये वास्तव में कुंवर प्रताप और अयोध्या के बलादेशों सहित कुंडली है। इसमें ये भविष्यवाणी है कि अयोध्या इसी सप्ताह महल लौटेंगी। और इस व्यर्थ सूचना के साथ क्या करने जा रही थी आप? हमने सोचा कि मानकवर से कहे कि वो राणा जी को उचित समय देखकर मनाए, कि ताकि उनके आदेश अनुसार कुंवर प्रताप अयोध्या को लेने बिजुलिया जा सके। हम मानते कि हमारी गलती है, ये हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था जीजा। पता नहीं हमारी बुद्धि में ये बात कहाँ से आ गई और हमें ये इसे फाड़ देना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, हम इस पर प्रपत्र को जला ही देते हैं जीजा, ताकि किसी को पता ही ना चले। कितनी बार समझाया आपको, कितनी बार समझाया आपको, परंतु आप नहीं माने। अब हमें लगता है आपको हमें हमारे तरीके से समझाना पड़ेगा। जीजा एक बार चलिए राणा जी के पास, एक बार क्षमा कर दीजिए। आप सबको बताएंगे कि आपने इतने सारे वर्ष इस महल में क्या किया। चलिए हमारे साथ, सब सुनेंगे आज, सब देखेंगे आज। देखिए आप सब, आपकी छोटी रानी का असली चेहरा, स्त्री के पीछे का असली चेहरा आज बताएंगे आपकी करतूतें इन सबको। आप सबने अपने मन में बिठा रखा था ना इनको, इनकी करतूत हम बताएंगे। कुंवर प्रताप जी, राणा जी,
क्या बात है रानी माँ? आप जानना चाहते थे ना कुंवर प्रताप कि अचानक ऐसा क्या हुआ था कि आपकी रानी माँ हमारी जीजा महारानी जयवंताबाई आपको राणा जी को इस महल को हम सबको छोड़कर चली गई? उस दुर्भाग्य का कारण आपकी छोटी माँ है। रानी माँ ये क्या कह रही हैं? सच कह रहे हैं हम कुंवर प्रताप। बताइए वीर भाई जी, सच बताइए कुंवर प्रताप को कि इतने वर्षों में आपने ऐसा क्या किया है? बताइए वीर भाई जी। ये सच है, हमसे दुखी होकर जीजा ये महल छोड़कर गई थी। क्या? हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, अपनी छोटी माँ को क्षमा कर दीजिए जीजा, हमें क्षमा कर दीजिए जीजा, हम फिर से कभी ऐसा नहीं करेंगे। बोल मत, काले कलाई जाए। हमें क्षमा कर दीजिए जीजा। मृत्यु दंड मिलेगा जब आप जीजा, हमें क्षमा कर, तब पता चलेगा। अच्छा आप बताइए जान, क्या बात है? आप तो अपनी रानी माँ से कुछ नहीं छुपाती हैं, प्यारी प्यारी बेटी है ना, चलिए बताइए। वो रानी माँ हम माँ जीजा को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि 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 क्या है ये? महारानी साहब, ये हम आपके बताए विशेष पान मसाले वाला पान बनाकर ही ले आए हैं। जाकर कक्ष में रख दीजिए, जाइए। पर रानी साहब, वो जो विशेष रूप से तैयार करवाया हुआ पान मसाला आपने डालने के लिए बोला था। हमने कहा ना आपसे, भीतर जाकर कक्ष में रख दीजिए। समझ में नहीं आता? आप दोनों जाइए, जो कर रही थी कीजिए, जाइए। देखो चेतक, हम प्रतिदिन तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारे पसंद की ये कोमल कोमल घास खिलाएंगे। हाल ही हिनहिनाने से नहीं चलेगा, तुम्हें हमें अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ के सभी सुंदर सुंदर स्थानों पर ले जाना होगा जहाँ तुम दादा भाई को ले जाते हो। मान जीजा, कहाँ थी आप सुबह से? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, पूरा महल छान मारा आपके लिए। अरे अरे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई हमारी? ये देख, इसके लिए ढूंढ रहे थे हम आपको, देखिए इसे। विषय फल के अनुसार तो आ गया है अजब देव भाभी जी का इस महल में लौटने का समय, और वो भी इसी सप्ताह। हाँ, पर उन्हें लाएगा कौन? दादा भाई, और कौन? हमने पता लगा लिया है कि दादा भाई आज भी मन ही मन बहुत प्रेम करते हैं अजब देव भाभी जी को। हम जब पहली बार इस महल में आए थे ना, तभी हमें पता चल गया था। पर अब समस्या ये है कि दाजीराज दादा भाई को अनुमति दे, तभी तो दादा भाई बिजोलिया जाकर अजब देव भाभी जी को लेकर आए। अरे तो हम दोनों सुबह से आपको क्यों ढूंढ रहे? इसीलिए तो। हाँ जीजा, इस काम के लिए तो आप ही कोई जुगत भिड़ा के मना सकते हैं दाजी राज, और ये काम आपको करना ही पड़ेगा मानकर। हाँ जीजा। हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, हमें सोचने तो दीजिए। दाजीराज, गुलाब जामुन लीजिए ना, आपके पसंद के मिष्ठान है ना, बहुत स्वादिष्ट है, चांद ने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा,
जब चांद कुंवर को हमने पहली बार देखा था तब उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस महल में पाकशाला किस ओर है। और आज दाजीराज हम लड़कियां हैं ना, हम ऐसी होती है, कब कैसे बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। और आप देखिएगा कुछ दिनों में जब हम दोनों कुछ और बड़ी हो जाएंगी फिर आपके इस महल को और आप सभी को छोड़ के सदा सदा के लिए दूर चली जाएंगी, यही नियति है ना। क्या हुआ, हमने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? कितने दिन लिखे हैं, रह लेंगे फिर तो। खीर दीजिए ना इन्हें, बहुत स्वादिष्ट है। रुक जाइए, मान कुंवर क्या बात है, क्या चाहती हैं आप हमसे? रहने दीजिए राणा जी, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें। खीर भाई जी बताइए क्या चाहती हैं? दाजीराज जी, जी दाजीराज पहले आप वचन दीजिए कि जो भी हम आपसे मांगेंगे आप देंगे हमें। ठीक है, हम आपको वचन देते हैं, मांगिए क्या मांगना है। वो हम दोनों चाहते हैं कि दादा भाई को अनुमति दे दें। किस बात की अनुमति दे दें? अनुमति वापस महल में लाने की, अजब दे भाभी जी को। आप दोनों का ऐसा दुस्साहस, ऐसे बात करेंगे आप हमसे? नहीं कुंवर प्रताप, ऐसी बातों में इनको आश्रय मत दीजिए। पहले ही हाथों से निकलती जा रही है, ना कोई अनुशासन है ना किसी का भय। और राणा जी हम तो कहते हैं थोड़ी डांट अपमान कुंवर को भी लगाइए, जब से यहाँ आई है बिगाड़ती जा रही है अपनी तरह अपनी छोटी बहन को। क्षमा चाहते हैं रानी माँ, किंतु हमारे विचार से चांद ने दाजीराज से जो मांगा है उसमें ऐसा क्या अपराधजनक है? मान बस। क्यों दादा भाई, सच तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अपनी मर्यादा तो निभा रहे हैं लेकिन उसके लिए अपनी भावनाओं को अंदर ही दबा लिया है। मान हम चाहते हैं कि इस विषय पर इसी क्षण विराम लगा देना चाहिए। क्षमा कीजिए दाजीराज, पर हम फिर भी आपसे ये बात कहेंगे क्योंकि दादा भाई ये बात आपसे कभी नहीं भूलेंगे। किंतु सच यही है कि दादा भाई को अजब दे भाभी जी की कमी हर पल खलती है। बस मान कवर बहुत हुआ, अब कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। चांद कवर चलिए, कब से देख रहे हैं हम कि आप दोनों अपने दाजीराज और अपने दादा भाई को लज्जित किए जा रहे हैं। चलिए जाइए यहां से। दोनों मूर्ख हैं राणा जी, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें, आप भोजन कीजिए। भोजन कीजिए कुंवर प्रताप जी। चुक चुक जी राणा जी, हम सिखाएंगे ना दोनों को अनुशासन, आप बिल्कुल उनकी चिंता ना करें। दोनों न जाने क्या बोल जाती हैं, जाने दीजिए। कुंवर प्रताप जी, एक प्रश्न पूछे आपसे, सच सच उत्तर दीजिएगा। दाजीराज हम सदैव सत्य ही बोलते हैं। आपको लगता है कुंवर प्रताप कि आपकी रानी मां का इस महल को छोड़ के जाने का कारण अजब दे थी? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है दाजीराज,
कुंवर जगमाल, जब आपके दाजीराज अपने ज्येष्ठ पुत्र से बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। कुंवर प्रताप, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अजब्य ने सदैव मां की पूजा की है, इतना ही नहीं, मां के बताए हुए जीवन मूल्यों को उन्होंने आज तक अपने मन में सहेज के रखा है। हमें नहीं लगता दाजीराज कि मां अजब्य के कारण इस घर को छोड़कर गई, इस महल को छोड़कर गई, नहीं लगता। आपको लगता है कुंवर प्रताप कि आपकी रानी मां का इस महल को छोड़ के जाने का कारण अजब्य थी? हमें नहीं लगता दाजीराज कि मां अजब्य के कारण इस घर को छोड़कर गई। आज्ञा दीजिए। राणा जी, ये लीजिए आपका विशेष पान, इसे खा लीजिए और आप अधिक सोचिए मत। कि जब से हमारे जीवन में युद्ध के अनुभव कम हुए हैं, पान की लत लग गई है। राणा जी, यदि ऐसा है तो त्याग दीजिए इस पान को। हमें नहीं लगता धीर भाई जी कि इस समय इस पान की आवश्यकता है, और हमें नहीं लगता कि भविष्य में भी इस पान की आवश्यकता अनुभव होगी। रुक जाइए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि सासाराम अभियान के बाद आप एक और अभियान पर जाएं। मेवाड़ नरेश अगर हमें योग्य समझे तो उनके आदेश पर हम किसी भी अभियान पर जाने के लिए तैयार हैं। कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप आने के बाद अभियान बिजोलिया के लिए निकले। किंतु दाजीराज, हम कोई किंतु परंतु नहीं सुनेंगे। कुंवर प्रताप, आप अजब्य को वापस उनके घर मेवाड़ लेकर आएंगे। और ये हमारा आदेश है कुंवर प्रताप। जो आ गया दाजीराज, जो आ गया। लगता है हमारे इस निर्णय से आपकी बहनें बहुत प्रसन्न हुई हैं। रानी मां, क्या हुआ रानी मां? कुछ नहीं कुंवर प्रताप, वो हम इतने वर्षों से क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज ये क्षण हमारे सामने आया तो हमें हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या कहें आपसे। हमने बहुत प्रयास किया कुंवर प्रताप कि आपकी और राणा जी के सामने इस विषय को उठाए, पर हिम्मत नहीं जुटा पाए। पर आपसे एक बात कहें, एक माँ के लिए सबसे सुख भरा क्षण यही होता है कुंवर प्रताप कि उसका पुत्र अपना वैवाहिक जीवन उसके सामने आरंभ करे
और हमारे जीवन में वो क्षण आ गया है। आप जाइए बिजोलिया, बिजोलिया जाके आज जब देखो यहाँ ले आई, खूब सारे आभूषण ले जाइए, खूब सारे उपहार ले जाइए उनके लिए, और आप देखना आपके गौने के लिए हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं। ऐसे धूम से जाइए कि सारा बिजोलिया देखे कि मेवाड़ का कुंवर प्रताप निबिनी को लेने आया है। आप दोनों को राणा जी के पास जाने के लिए कहा था, हमें क्षमा कर दीजिए आप दोनों, हम एक काम करते हैं, हम अभी राणा जी के पास जाते हैं और उनसे कह देते हैं कि आप दोनों की कोई भूल नहीं है, भूल हमारी ही है। छोटी माँ, चांद आप ही बता दो छोटी माँ को। नहीं जीजा, आप ही बता दीजिए। नहीं जान, आप ही बताइए। बताइए ना, दादीराज मान गए। क्या? हाँ, दाजीराज ने दादा भाई को आदेश दिया है कि जाओ बिजोलिया, और उन्होंने कहा है कि अजब देव भाभी जी को शीघ्र ही महल में ले आइए। आज हम बहुत खुश हैं। पीर मोहम्मद ने हमें ताकीद की है कि जब तक हमारा शिकार प्रताप हमारी मुट्ठी में ना आ जाए तब तक हमें यहाँ कोई बदमनी वाला काम नहीं करना है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम लोग? किस काम से चित्तौड़ आए हो? हम लोग अरबिस्तान से आए हैं, हम सब बेहतरीन जंगजू हैं। पर जब हमने सुना चित्तौड़ के शहजादे प्रताप को यहाँ के लोग बेहतरीन जंगजू तस्लीम करते हैं तो हमने सोचा कि यहाँ आकर उन्हें ललकारें कि दुनिया में सबसे खतरनाक जंगजू कौन है, हम या वो। इसलिए हम आपके शहजादे को लड़ाई के लिए दावत शुकन पेश करने आए हैं। तुम में से कोई भी उनसे लड़ने के लायक नहीं है, कोई भी नहीं। कुंवर प्रताप एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए चित्तौड़ से बाहर गए हैं, पर आप लोगों को अपने आप पर इतना ही घमंड है तो प्रतीक्षा कीजिए हमारे बाऊजी राज की। इंशाल्लाह शहजादे प्रताप से मुकाबला हमारे लिए बाईस से फक्र की बात हुई, इसलिए उनसे मुकाबला करने के लिए हम कयामत तक इंतजार करेंगे। एक मिनट, आज वो शुभ अवसर आ ही गया जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी। अच्छा देख, ये सब वही है ना। जो चित्तौड़ से कोहनी का संदेश आया है ये हमारे लिए नहीं है, ये सारी तैयारियां जो हम कर रहे हैं ना ये सौभाग्यवती के कोहनी की तैयारियां है। अच्छा देख, आप चाहे भले ही कुछ भी कह ले किंतु माना कुंवर प्रताप बहुत बड़े वीर हैं, मेवाड़ की शान है, चित्तौड़ की आन है, और उन्होंने हमारे पिचौलिया की भी रक्षा की, सब गुण है उनमें, किंतु यहां वे गलत है। आपको अपने साथ वो चित्तौड़ नहीं लेकर जा रहे, इसमें इसमें गलत है वे। माँ ऐसा मत बोलिए ना। क्यों ना बोले, क्यों ना बोले अच्छे, अर्धांगनी है आप उनकी, सात फेरे लिए हैं आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर। चलिए ये सब भी छोड़िए, किंतु हमने हमने स्वयं उनकी आंखों में आपके लिए बहुत प्रेम देखा है, बहुत स्नेह देखा है, फिर क्यों उन्होंने आपको विरह की अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया यहाँ।
क्या ऐसे होते हैं मर्यादा? माँ 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 चित्तौड़ से उपहार सहित रावत मामा जी आए। रावत भाई साहब, अजब थे, लगता है वो शुभ घड़ी आ गई। चली इसे रखिए, संभाल कर रखिएगा। खामा घड़ी अणि खामा पे अणि खामा आ जाते भाई साहब। सब है बाजी राज प्रताप स्वयं अपने मित्र की धर्म पत्नी सौभाग्यवती के गौने के लिए यहां आना चाहते थे, किंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणवश यहां आ नहीं पाए और उनके विशेष निवेदन पर हम यहां आए। इतने लंबे चंद्रग्रहण के बीतने पे सौभाग्यवती को निश्चित बहुत प्रसन्नता होगी मामू साहब, है ना माँ? अंसा बहन, हमें भली भांति जानते हैं कि एक प्रश्न बार बार उत्कंठा बन के आपके मन में उमड़ रहा होगा कि बाऊजी राज प्रताप अजब देव बाईसा के गौने के लिए यहां कब आएंगे। हमारा विश्वास कीजिए हंसा बहन, चित्तौड़ में हवाओं का रंग धीरे धीरे ही सही किंतु सही दिशा में बदल रहा है और हम इस बदलाव को स्वयं महसूस कर पा रहे हैं। आप देख लीजिएगा बहन, बहुत शीघ्र वो दिन आएगा जब हवाओं का यह बदला हुआ रंग बाऊजी राज प्रताप और अजब देव बाईसा के जीवन में एक नई मधुरता को प्रफुल्लित करेगा। रावत भाईसा, आपकी ये बहन आपके विश्वास पर विश्वास कर आपका आभार मानती है। आपके मीठे बोलों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मामूसा क्या कहा था आपने? कुंवर प्रताप कहीं व्यस्त हो गए इसीलिए नहीं आ पाए। जी अजब दे भाई साहब, बाजीराज प्रताप वो अफगान सरदार हाकिम खान सूरी से मिलने सासाराम गए और यही कारण है कि वे यहां नहीं आ पाए। कुंवर प्रताप, अब इतनी कठिन और दुर्गम यात्रा करके सरदार हकीम खान अफगान से मिलने जा रहे हैं, अर्थात ऐसे कौन से गुण हैं उसमें? हाँ माना कि हमने भी सुना है उसके बारे में कि वो हर सुबह अपने तोपों की आवाज से ही उठता है, बारूद सुनकर ही उसके गुणदोष जान लेता है और निशाना भी अचूक है उसका। कि तू इन सभी बातों के उपरांत आपका यूं इतनी लंबी यात्रा करके उसे मिलने जाने का उद्देश्य हमें समझ नहीं आ रहा। पता होता व्यक्ति अपने उपलब्धियों से बड़ा बड़ा किंतु विचारों से महान। आके खान सूरी एक निपुण तोपची होने के साथ साथ उच्च विचारों का स्वामी भी। पहली जब वो कोई वचन देता है तो उसे निभाता है और दूसरी बात वो जहाँ रहता है उसे अपना घर मानता है। वहाँ के रहने वाले जन सामान्य की सुरक्षा के लिए वो सदैव अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर रहता है। हमने तो सुना है कि एक बार उसने पूरी मुगल सेना को अपने तोपों से पराजित करके भगा दिया था। यह लगभग 10 वर्ष पुरानी बात है कि बैरम खान एक दिन मुगल सेना के साथ मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए बाहर निकला हुआ था और अपने मार्ग में आने वाले हर राज्य को चलते हुए अपनी सीमाओं में सम्मिलित करते हुए भीषण अंदर की बात आगे बढ़ रहा था। मुगलों की इस दुर्दांत और विस्तारवादी सेना के आगे बैरम खान अपने 500 लाखों के टुकड़े अपनी मुख्य सेना के कुछ मील आगे ही रहा था। इस गुप्तचर अग्रिम सैन्य टुकड़ी ने सासाराम पहुंचते ही हाकिम खान अफगानी को मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। हाकिम खान, तुम
तुम दो और हम 500, या तो चुपचाप अपने घुटने पर बैठकर अपने हथियार डाल दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। पठान का सर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। मुगलों ने हाकिम खान अफगानी के सबसे विश्वास पात्र साथ को ही खरीद लिया था। गद्दार, तुम पठान के नाम पे धब्बा हो। यदि हकीम खान को मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए अपनी बंदूक गिरानी ही थी, तो फिर उसे गिराने से पूर्व उसने अपनी बंदूक आकाश की ओर क्यों दागी? पता पता आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। हकीम खान, जब तक हमारे सरदार बैराम खान अपनी मुगल फौज के साथ यहाँ तक नहीं पहुंच जाते, बस उतना ही वक्त है तुम्हारे पास। तो चुपचाप हार मानकर हमारे सामने अपना सर झुका लो, वरना बैराम खान की मुगल फौज तुम्हें कुचलते हुए आगे निकल जाएगी। इतना ही वक्त देते हम तुम्हें सोचने के लिए। चलो, जब बैराम खान अपनी सेना के साथ सासाराम पहुंचने वाला है, तो ये अग्रिम मुगल टुकड़ी कुछ समय के लिए हाकिम खान अफगान जो धरती में गर्दन तक गड़ा हुआ, उसे भुलाकर मुख्य फौज के स्वागत में व्यस्त है। बस फिर क्या, इसी बीच ही हाकिम खान अफगान के साथी आकर उसे चुपचाप वहां से निकाल कर ले। हाकिम खान अफगान के साथी उसकी हवा में दागी बंदूक से सावधान हो गए थे, और फिर बिजली से फूटती से उसने सबसे पूर्व अपने आप को उस मिट्टी से स्वतंत्र किया और भागकर अपनी छिपाई हुई तोपों की ओर लपका। उधर मुगलों को पता चल चुका जिस हाकिम खान को उन्होंने धरती में गर्दन तक गाड़ रखा, वो तो कब का भाग चुका है। इससे पहले कि वो मुगल कुछ समझ पाए, हाकिम खान ने अपने तोपों से आग उगलना आरंभ कर क्रोध से उसकी आंखों में रक्त उतर आया था। वो एक ऐसा ज्वालामुखी बन चुका था कि जो भी उसके तोपों के सामने आ रहा था वो उन्हें जलाकर राख कर रहा था। और देखते ही देखते उसने मुगल अग्रिम सेना के 500 सैनिकों को अपने तोप के गोलों से मौत के घाट उतार दिया। बैरम खरम कर उसने वही किया जो ऐसी परिस्थितियों में वो सदैव करते आए। हुजूर, हकीम खान का घर हाथी बन चुका, वो हम सबको अपनी तोप के गोलों से तबाह कर देगा। हम सबको तबाह कर देगा। लौट चलो वापस, पीछे हटो, चलो चलो। कोर्ट पता, अब तो हमें भी उस मुगल सिपाही की बातों पर विश्वास होने लगा है, और आपकी बातें सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे वो हाकिम खान कोई पागल हाथी हो। तो फिर हम ऐसे पागल हाथी से मित्रता करने वहां जा क्यों रहे? हाँ, ये बात सच है कि उस अफगान को बहुत शीघ्र ही क्रोध आ जाता है। वे मुगलों की भांति स्वयं को बाहर से आए हुए हृदय आक्रमकारी नहीं समझते, जो हमें कुचलकर निर्दयतापूर्वक हम पर शासन भर करना चाहते हैं। इसी राष्ट्र प्रेम का वास्ता देकर हमें हाकिम खान से मैत्री संबंध बनाने होंगे, और शीघ्र ही करना होगा ये सब। हम ये अफगानी सरदार हाकिम खान से मिलने जा रहे हैं और तुम मुंह फोड़े खड़े हो। आखिर माजरा क्या है? जाओ, हमारा जिरह बख्तर लाओ। हम बना दें आपको आपका जिरह बख्तर। हुजूर, तुम हमारे लिए एक ऐसी अहम मुहिम पर जा रहे हो पीर मोहम्मद, जितनी अहम मुहिम पर हमने आज तक कभी किसी को नहीं भेजा। ये मुहिम हमारे लिए कितनी अहम है तुम इसी बात से समझ सकते हो कि हाकिम खान सुर अगर हमारे साथ मिल जाए तो हम चित्तौड़ पर फतेह कर सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि तुम अपने शहंशाह को नाउम्मीद नहीं करोगे। वैसे जो ये सांसें तुम ले रहे हो, जानते हो ना कि ये सांसें तुम्हें हमने बख्शी है। अब बदले में अपने शहंशाह को कोई नायाब तोहफा ही दोगे या नहीं? हुजूर, यही उम्मीद करते हैं हम तुमसे, तुम्हारे लिए।
ये सारा क्षेत्र अचानक ही कुछ अपरिचित अपरिचित सा लगने लगा है पत्ता। चलिए चेतक, लो आपका ये चेतक भी अपने ही मन का राजा है। ये भी ऐसे ठिटक गया है मानो जैसे इसे भी यहाँ सब कुछ बदला बदला सा लग रहा। चेतक हमने कहा चलिए। क्यों चेतक? पता, चेतक इस वातावरण में कुछ सूंघने का प्रयास कर रहा है जिसका अनुभव हम नहीं कर पा रहे। क्या बात है चेतक, क्या लग रहा है आपको? चेतक जो आप सूंघ पा रहे हैं उसका अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा है? चेतक ये साधारण मिट्टी है, साधारण धरती है, इसमें ऐसा अनूठा क्या है? में बारूद का अंश? मैं समझ नहीं आ रहा, मिट्टी में बारूद? हम देखते हैं। नहीं पता, नहीं, जब चेतक हमें आगे जाने से मना कर रहा है तो अवश्य हमें जो दिख रहा यहां उससे कुछ अधिक ही है। कुंवर प्रताप, हमने जाने पत्ता, कुंवर प्रताप हमने कहा नहीं पता। हम कह रहे हैं हम जा रहे हैं। नहीं पता, आप आगे नहीं जा सकते। कुंवर प्रताप, हमने जाने पता, कुंवर प्रताप हमने कहा नहीं पता। हम कह रहे हैं हम इस विस्फोट में मरने वाले थे। लगता है इस पूरे क्षेत्र में बारूद बिछाया हुआ है धरती में। यदि ऐसा है तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे कई और विस्फोट करवाके। क्या? हाँ पता, कुछ पत्थर इकट्ठे कीजिए। पत्थर? हाँ, जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए जी। और हाँ, ध्यान से।
रख दीजिए। छोटी माँ, भोजन के समय पहनने के लिए कितने जोड़े रखवाए जा चुके हैं? 4। किस समय कौन सा जोड़ा पहनना है, इसमें सहायता करने के लिए तो होंगे ना हम भाभी जी के पास। चांद, इसमें हम आपके मान जीजा से सहमत हैं। इतने वस्त्र आदि लेके जाने की क्या आवश्यकता है, जबकि आपकी भाभी सा यहाँ पर कुछ ही दिनों में खुद आने वाली है, अपने इस घर में, अपने इस महल में। मान जीजा, हमें चिकोटी तो काटना, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम सच में बिजोले जा रहे हैं जब भाभी जी को लेने। अब हम भी काटेंगे। अरे अरे, कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा कोई सपना सच नहीं हो रहा। अच्छा तो तब होता जब भूतनी बिजोलियां नहीं चलती हमारे साथ, पर ऐसा तो हो नहीं रहा, वो तो आएंगी। मान, आप दोनों रानी माँ के साथ जा रही है ना? अच्छा, अपनी भाभी सा को क्या कोई उपहार नहीं देंगी आप? ये सब छोड़िए, ये सब हम कर लेंगे। आप जाइए राज के स्वर्णकार से पायल और कंगन ले लीजिए उनके लिए। वहीं रुक जाओ, जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस बारूदी घेरे को अच्छे अच्छे पार नहीं कर पाए, तुम उसे पार करके हमारे इलाके में बड़ी आसानी से आ गए। सुभान अल्लाह। कभी कभी शत्रुओं से बचाव के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखाएं संभावित मित्रों को भी जला जला सकते। कौन हो तुम? जैसा कि तुम दावा कर रहे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें हमें सख्त सख्त चिढ़ है नफाजियों से। हम हैं मेवाड़ के कुंवर प्रताप सिंह, और हम आपके लिए मैत्री का संदेश लेकर आए हैं। कि आप हमारे साथ आएंगे? तुम्हारी ये मजाल हमारे साथ साथ ऐसी जरूरत करने की हिम्मत कैसे की तुमने? हमने इतनी गोलियां दागी ना तुम डरे ना ही तुम्हारी आंख झपकी। जान देने की ख्वाहिश रखते हो क्या? नहीं नहीं, जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो फिर जीवन भर के लेकर और वो भी हम पे एक ऐसे शख्स पे जो मुसलसल तुम पे गोलियां दाग रहा है। हमने सुन रखा है कि आकिम खान का निशाना कभी चूकता नहीं, इसलिए जब पहली बार आपने हम पर गोली चलाई और उसने हमें छुआ तक नहीं, तो हम समझ गए कि हमें मारना आपका उद्देश्य नहीं। इसी बात ने भरोसा दिया। और जब हमने पहली गोली दागी ही नहीं थी, तब कैसे ऐतबार किया तुमने हमारा? हमें पूर्ण विश्वास है कि एक सच्चे राजपूत की भांति ही एक सच्चा पठान भी किसी निहत्थे और निरपराध पर वार नहीं करता, उसे मार नहीं सकता जो उसके पास मित्रता की बात लेकर आया। तुम कैसे कह सकते हो कि हम एक सच्चे पठान हैं और एक पठान हैं एक राजपूत से दोस्ती करेगा? ऐसा कैसे समझ लिया तुमने? हम तुम्हें हमलावर नहीं लगते क्या? नहीं नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुगल और आप में यही तो मूलभूत अंतर है कि जहां मुगल विभिन्न आक्रमणकारी होते हैं, निर्बलों पर अत्याचार करते हैं, जनसाधारण को लूटते हैं, वहीं आप अपनी धरती और उनके लोगों से प्रेम करते हैं, अपने वचन के पक्के हो, विरोचित गुणों के स्वामी। भला कोई अपनी जिंदगी के साथ साथ ऐसे खतरा उठाता है जैसे तुमने किया? वो वीर ही किया जो संकटों से नाखे। माशाल्लाह कुंवर प्रताप, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बिल्कुल वैसे ही
बहादुर जहीन करिश्माई शख्सियत। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, कोई मदद नहीं मिलेगी तुम्हें। रुके हकीम खान, हम आपको सहयोग देने के लिए आए। हम दोनों का एक ही शत्रु है, वो मुगल। उस शत्रु के विरुद्ध हमारा आपसी सहयोग हम दोनों के लिए लाभदायक। उन मुगलों के विरुद्ध आपको मेवाड़ की पूरी सेना का साथ मिले, जिससे आप सफलतापूर्वक अपनी प्रजा अपने लोग और अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकें। फकत एक दुश्मन होना दोस्ती के लिए वाजिब जमीन नहीं हो सकती। ठीक है तो फिर आप ही बताइए, क्या आधार होना चाहिए हमारी मित्रता? पीढ़ियों से हम अफगान और तुम राजपूत दुश्मन है एक दूसरे के, और दुश्मन ही रही रहेंगे। फिर मुगल एक बार हम निपट चुके हैं उनसे, दोबारा मौका मिला तो फिर से देख लेंगे। और अब तुम चले जाओ यहां से। जैसी आपकी इच्छा हकीम खान। चलिए बता। अभी चंद लम्हों पहले ऐतबार की बातें कर रहे थे ना तुम, यही हकीकत है हमारी। हम दोनों के बीच में सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है। सांप और नेवला कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम जा सकते हो प्रताप, हकीम खान ने तुम्हें बख्श दिया। जाओ। अजब देखे ससुराल में पांव पड़ते ही जीजा हम सबको छोड़कर इस महल को छोड़कर चली गई। हे माँ, ये एक ही बात बार बार हमें मन ही मन खाए जा रही है कि हमसे ये अपराध हो गया था, हमारी वजह से कुंवर प्रताप और अजब दे अलग हो गए। आपको शत शत प्रणाम, जो आप एक बार फिर से उन्हें मिला रही हैं। क्यों झूठ बोल रही हैं? क्यों देवी जी से झूठ बोल रही हैं? आज तो आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इन्हें क्षमा कर दीजिए देवी जी, इतने वर्षों से जो ये करती आई है आज फिर से वही करने बिचोलिया जा रही हैं। एक और बार कुंवर प्रताप और अजब दे के बिछो का कारण बनने जा रही है। क्या
अरे सौभाग्यवती, आपका भाई अभी कुछ समय पहले और आकर चुपचाप हमारे पीछे खड़ी हो गई। एक बार बोल देती। हम चुपचाप ये दृश्य देखना चाहते थे कि कैसे हाथों में तलवार लेने वाली, अश्वारोहण करने वाली, वीरता से बिजोलिया की रक्षा करने वाली बाईजीलाल कुंवर प्रताप से मिलने की चाह में कैसे सजी सवरी, सुकुमारी, सकुचाती, कोमल भावनामयी राजकुमारी अजब्दे में परिवर्तित हो स्वयं को भिन्न भिन्न रंगों में डुबोती न जाने किसका चित्रण कर रही है। ये चित्रण हम अपनी प्रिय सखी सौभाग्यवती के दीर्घ एवं मंगल वैवाहिक जीवन की कामना के लिए कर रहे हैं। इस कपड़े पर आपके लिए हमारी ये शुभकामना कितनी सुंदर लग रही है ना? आपके गौने के उपहारों के संग ये भी आपके संग चित्तौड़ जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी स्मृतियों के भांति भी इसे अवश्य संभाल कर रखेंगे। नहीं नहीं अजब दे, ये हम नहीं ले जाएंगे। क्यों? ये आप अपने पास रखिए। अपने हाथों से लिखित शुभकामनाएं शीघ्र ही आपका और कुंवर प्रताप का पुनर्मिलन करवाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं जीजा? हम तो बिजोलिया जा ही नहीं रहे, फिर उन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? और भला हम ऐसा करेंगे ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सहज है वीरबाई जी, क्योंकि हम चाहते हैं। नहीं जीजा, बहुत दिनों के बाद कुंवर प्रताप के जीवन में प्रसन्नता वापस लौट रही है। हम आपकी किसी भी बात में नहीं आएंगे। अब हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो कि करने योग्य ना हो। कम से कम हमारे सामने तो ये नाटक मत कीजिए। हम जानते हैं कि आपको कुंवर प्रताप की प्रसन्नता की कितनी चिंता है। जिस माँ से कुंवर प्रताप को सबसे अधिक प्रेम और स्नेह मिलता था आप ही थी ना, जिसके कारण उनकी वो माँ इस महल को छोड़कर चली गई। कुंवर प्रताप की माँ जयवंता बाई जी की बात कर रहे हैं हम भी बाई जी, समझ रही है ना? आप ही के कारण इस महल को छोड़कर गई थी ना वे? नहीं नहीं जीजा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं कैसे किया कुछ आपने? इतनी जली कटी आप ही ने तो सुनाई थी जीजा को, तभी तो गई है महल छोड़कर। आपने केवल हमारा विश्वास ही नहीं, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली है। हमें जीते जी मार दिया आपने। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने हमसे हमारी खुशियां छीनी है ना, आपको भी भगवान को खुशियां कभी ना दे। कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। और आपको बचाने के लिए हमने सारा दोष अजबदे पर डाल दिया। हमारी पत्नी, मेवाड़ की महारानी, हमारी सुख दुख की सच्ची साथी, ये महल छोड़कर चली गई केवल आपकी पुत्री के कारण। और आज जब अवसर आया है तो आप हमारे उपकारों को बुला रही हैं। कितनी सहायता की थी आपकी हमने, की थी ना वीरबाई जी? बदले में आपसे क्या मांगा था? सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि अजबदे इस महल में फिर कभी पाँव ना रख पाए। पर जीजा, राणा जी ने बिजुलिया आपको जाने के लिए कहा है, हमें नहीं। इस बात की चिंता आप क्यों कर रही हैं? हमने कह दिया राणा जी से कि हमारी प्रिय बिंदनी के स्वागत के लिए हमें सारी तैयारियों का ध्यान रखने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा, और राणा जी हमारी बात मान गए। इसलिए हमारी प्रिय प्रिय सौतन जी, बिजुलिया तो आप ही को जाना पड़ेगा। वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं आपसे, और यदि आपने ऐसा नहीं किया, हजब इस महल में वापस आ गई तो हम धक्के मार के निकाल देंगे आपको इस महल से। हम क्या, राणा जी निकाल देंगे, आपके प्रिय कुंवर प्रताप निकाल देंगे, जिनके लिए आपके मन में इतना प्रेम छलक रहा है। नहीं सौभाग्यवती, इसे हमने आपके लिए बनाया है, ऐसे मना नहीं करते। हम जानते हैं जब भी कुंवर प्रताप से ये बिछो भीतर ही भीतर आपको खाए जा रहा है।
अच्छा बाबा ठीक है, आप जीते और हम हारे, इसे हम अपने ही पास रखेंगे। अब प्रसन्न आपसे पहले ही कह रहे थे कुंवर प्रताप कि इस पागल हकीम खान के पीछे अपना समय और अपना श्रम व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, वो तो आपने हमें रोक लिया, अन्यथा उसी क्षण हम उससे आपका प्रतिशोध ले लेते हैं। क्यों वो हकीम खान आपका अपमान करे और हम उससे आपका प्रतिशोध लेने की बात तक नहीं कर सकते? शांत हो जाइए पत्ता, शांत। क्या आप कुछ सुन पा रहे हैं? क्या अश्व की टापों का सवार और हम दूर से कई अश्व दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। कुंवर प्रताप, ये मुगल सेना तो लगता है सासाराम की ओर जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे गुप्तचर ने हमें सही सूचना दी थी, वहां आगरा में बैठा वो मुगल पूर्ण प्रयास कर रहा है हकीम खान को अपने साथ मिलाने का। हमें तो लगता है कुंवर प्रताप कि ये मुगल सासाराम पर आक्रमण करके वहां सब कुछ नष्ट कर देंगे। अब हकीम खान को पता चलेगा आपका मैत्री प्रस्ताव ना स्वीकार करने का परिणाम। कुंवर प्रताप, अब हम चित्तौड़ चलते हैं, यहां ये मुगल जाने और हकीम खान जाने, हमें क्या। इन मुगल सेना ने हकीम खान अफगानी को अपने साथ मिला लिया तो फिर बड़ा संकट बन जाएगा राजपुताना के लिए।